खबरगुला चीका से है। पीटी सेंटर यूनियन चीका के सदस्यों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजे खास समाधि, महावीर दल चीका को सौंपी खास समाधि। बता दें कि चीका क्षेत्र में पीटी के करीब 2 दर्जन से ज्यादा स्टडी सेंटर हैं और यूनियन प्रधान ने बताया है कि घग्गर नदी के बढ़ते जलस्तर से 3 दर्जन से भी ज्यादा गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए। इसके लिए भोजन आदि की व्यवस्था के लिए पीटी सेंटर यूनिट तैयार हो गई है। उन्होंने कहा है कि जहां चीका ने कई सामाजिक संस्थाएं लोगों को खाना पहुंचा रही है, वहीं पीटी सेंटर यूनियन बाढ़ में फंसे लोगों को प्रतिदिन खाना उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि आज भी सूखा राशन महावीर दल चीका में पहुंचा दिया गया है और NDRF के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया जाएगा। प्राइम मेकिंग न्यूज चैनल के लिए गुरदीप चावा, गुड़हल चीका। चीका यूनियन की तरफ से मैं नमस्कार करता हूँ। अच्छा, जैसा कि अभी सर बता ही चुके हैं कि इस एरिया के अंदर जो ये आपदा आई हुई है, जो ये लोगों के ऊपर विपत्ति आई हुई है, उस संदर्भ में आज हम लोग इकट्ठा हुए। हमने एक मीटिंग रखी, इसमें हमारी सारी चीका यूनियन जो आयल स्पीटी की यूनियन है वो इकट्ठा हुआ। अच्छा, हम वैसे भी समय समय पर लोगों का जब भी कभी भी किसी के साथ कोई भी हानि होती है वहाँ पर पहुँचते हैं। आज भी हम उसी संदर्भ में इकट्ठा हुए, जो हमने लोगों को जो भी किसी भी तरह की समस्या आई, राशन से थी या किसी को पानी की भी समस्या आ रही है। इस टाइम देखो पानी की बाढ़ आई हुई है, लेकिन पीने के पानी की भी लोगों को समस्या हो रखी है, तो उसके लिए भी हम इकट्ठा हुए। और समय समय पर अगर कोई भी किसी भी लोगों को मान लो अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हम आप लोगों के साथ रहेंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अगर कोई भी किसी भी भाई को समस्या आती है तो एक बार हमारी यूनियन से ज़रूर जुड़े। और कोई भी भाई अगर इन चीज़ों में, इन कामों के लिए आगे आना चाहता है तो हमारे जो सीनियर हैं उनसे मिले और हमारे साथ जुड़े, और यही लोगों के साथ हम मान लो जो भी कार्य है उनको सब मिलजुल कर इकट्ठा होकर करेंगे। सभी को मालूम है इस पूरे एरिया में बाढ़ आई हुई है और बहुत सारे परिवार उस समस्याओं से जूझ रहे हैं। किसी के पास खाने का राशन नहीं है, किसी के पास किसी तरह की सुविधाएं नहीं है। तो हमने चीका के अंदर आइलेट्स पीटी की एक यूनियन बनाई हुई है, जिनका की मकसद यही रहता है कि ज़रूरतमंद की मदद की जा सके। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में ये निर्णय लिया कि जो भी बाढ़ से लोग परेशान हो रहे हैं उनको कुछ राहत सामग्री राशन के रूप में दी जाए, जिससे कि उनके घर में खाने पीने की समस्याएँ ना रहें। तो उसी उसमें हम सब आइलेट्स पीटी यूनियन के सदस्यों ने इकट्ठा होके ये निर्णय लिया कि सूखे राशन के रूप में हम कुछ सामान महावीर दल में दे देते हैं, जिससे कि वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकें। उसी एवज में हम लोगों ने चीनी, आटा, दाल, नमक, मिर्च मसाला सब कुछ एक भारी मात्रा में एकत्रित करके महावीर दल के सदस्यों को सौंप दिया है, जिससे कि वो आगे परिवार के लोगों तक उसे सुरक्षित पहुंचा सके और ज़रूरतमंद लोगों तक वो जितनी भी ज़रूरत है पूरी हो सके। और हम ये भी निवेदन करना चाहते हैं इस मैसेज के द्वारा कि अगर हमसे किसी और सहयोग की ज़रूरत रहे तो हम हमेशा तत्पर मौजूद हैं, और जैसा भी सहयोग हमसे उम्मीद की जाएगी समाज के द्वारा, महावीर दल के द्वारा या ज़रूरतमंद लोगों के द्वारा, हम हर सहयोग अपनी तरफ से हमेशा के हमेशा उपलब्ध करवाएंगे।